नमस्कार साथियों, बीएसआई ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए साइंस की। तो साइंस के दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, सभी लोग बताइए तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। जो आपका तुलसी का जो पौधा होता है, तो तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद होती है जिस वजह से होता है। आपका अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनॉल और आपका फ्लेवोनॉइन, या फिर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिनॉल एंड फ्लेवोनाइड। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑसिमम सैक्टम। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑसिमस सैक्टम और ये एक द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है। आयुर्वेद में तुलसी को उसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, जैसे कि लाइका, सर्दी जुखाम, खांसी, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग, तो इसके लिए तुलसी जो है बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है आपका फिनॉल्स एंड आपका फ्लेवोनॉइड्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रहेगा आपको। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों। अगर हम भारत की बात करें, भारत में आपका कार्बोफ्यूरिन, आपका मेथिल पैराथियन, आपका फोरेट और आपका ट्राई एजोफॉस, तो इनके इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन जो है किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कार्बोफ्यूरिन, मेथिल पैराथियन, फॉरेट और आपका ट्राई एजोफॉस। तो जब इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनके इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है, ये रसायन किस रूप में यूज़ किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं कृषि में पीड़क नाशी के रूप में। ओके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए क्या आप जानते हैं प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। ये क्वेश्चन कई बार हमने आपको बताया है। देखिए प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है आइसोप्रिन का होता है। आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक रबर बहुलक किसका होता है, आइसोप्रिन का होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका होता है, आइसोप्रिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं, इसको क्या बोलते हैं। दोस्तों एक आपका हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जो है आप लोग के जुड़े हुए हैं, ओके, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं, उन्हें एल्कीन कहलाता है और यह असंतृप्त रासायनिक यौगिक होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ओके, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एल्कीन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा, एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। आज का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइएगा। देखिए यूरिया, दोस्तों क्या आप जानते हैं यूरिया का मतलब क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। जो लोग भी इस बार दिल्ली पुलिस में यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आज मैं आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम के लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जो एक एक क्वेश्चन मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया, यू नो एवरीवन, यूरिया क्या है आपका, कोई जानता है यूरिया के बारे में, सभी लोग बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया दोस्तों क्या होता है, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जिसका सूत्र पेपर में आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। यूरिया की अगर हम बात करेंगे, ये आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है।
इसका सूत्र होता है NH2 का होल ट्वाइज CO। ओके, तो ये आपका यूरिया का सूत्र दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा, NH2 का होल ट्वाइज CO। चलिए आगे बढ़ें, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए आप लोग। दोस्तों आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलय होते हैं। ओके, नंबर दो, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो क्या लगता है आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब केवल पहला सही होगा, केवल दूसरा सही होगा, दोनों सही होंगे, या फिर आपका इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो जो आप लोग के आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड, तो इनके बारे में आपको सही सही जवाब ढूंढना है। तो दोस्तों आपका आयनिक कंपाउंड्स ये आपके अल्कोहल में आपके क्या होते हैं? अविलय होते हैं। तो ये अल्कोहल में आपके अविलय होते हैं, इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज देखिए, जितने भी लोग क्लास में हैं, कितने जा रहे हो आप लोग, कितने चले? ओके, देखिए ये क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल है, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आप लोग BSA ट्रिकी क्लासेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। ओके, तो बने रहिए आप लोग और देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही जवाब बताते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है, इसको बताइए आप लोग। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में, दोस्तों बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है आपका प्रयुक्त होता है? चलिए बताइए, आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीकार्बोनेट्स। चलिए बताइए आप लोग, आपका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। देखिए आप सभी को बुलेट प्रूफ जैकेट मैंने दे दी है, तो बुलेट प्रूफ वस्तु जो होती है, बुलेट प्रूफ वस्तु की अगर हम बात करेंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग कौन से बहुलक का यूज़ करते हैं? चलिए बताइए, देखिए 8th क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट्स हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है ना, चलिए अब ले चलता हूं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग मुझे बताइए। ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां से बिल्कुल जरूर खाएंगे, बस आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा एक आपका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर हम आपको बुलेट प्रूफ जैकेट दे दें, तो बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनाई जाती है, उसको बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? फाइबर ग्लास का, गन मेटल, माइका या फिर लैमिनेटेड ग्लास। तो दोस्तों क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में, ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? चलिए बताइए। हाँ, तो दोस्तों 9th क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा लैमिनेटेड ग्लास। ओके, तो प्रचलित कांच का यूज करते हैं यहाँ पर, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप मुझे बताइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन एक है, लेकिन हर बार आपके जवाब बदलते रहेंगे। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? अब आपको बताना बहुलक पदार्थ, अभी सिंपल पूछ रहा था कि दोस्तों क्या करते हैं, अब आपको बताना बहुलक, किस बहुलक पदार्थ का यूज किया जाता है? नायलॉन 6.6, रेयॉन, केवलर या फिर ड्रेकॉन। तो दोस्तों अगर हम जैकेट की फिर से बात करेंगे और अगर हम बहुलक की बात करेंगे, तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका केवलर आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, केवलर। तो ध्यान दीजिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए केवलर नामक एक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। केवलर है क्या? केवलर एक फाइबर, एक कार्बनिक फाइबर है, और यह आपका पॉली पैरानिकेलिनिन टेरेप्थोलेमाइड का ट्रेडमार्क नाम है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है केवलर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब लेकर चलता हूँ आपको और आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या फिर पॉलीयूरिथेन।
चलिए बताइए, आज पहले तो हम बुलेट प्रूफ वाली चीज़ों से निपट लेते हैं। तो जो बुलेट प्रूफ वाले जो कपड़े होते हैं ना कपड़े, तो इनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया पॉलीएमाइड का। तो पॉलीएमाइलाइड बहुला का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइड्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीएमाइलाइड। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको और आगे। आज का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइएगा। दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ओके। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, सारे जितने बुलेट प्रूफ वाली चीज़ें होती हैं एक एक बुलेट प्रूफ आपको दूंगा, ताकि आपको कोई भेद ना सके, ओके। रहस्य की बात है, निम्नांकित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ अगर लगी होती हैं, तो अगर कोई यहाँ पर आपको टारगेट लगा रहा है दोस्तों यहाँ पर बहुत दूर से बैठकर, ओके, अगर वो गोली चलाएगा यहाँ पर तो वो शीशे को भेद नहीं पाएगी। तो इसलिए बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, खिड़कियाँ, ताकि आप कार में बैठकर जा रहे हो और कोई अगर दूर से निशान लगा रहा है, टारगेट लगा रहा है, तो उसकी गोली वहीं पर फिश। तो दोस्तों अगर हम 13 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। तो इसको याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? पॉलीकार्बोनेट का। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको बताइए। चलिए अब आते हैं सिरका पर। सिरका जो है किसका जलीय विलयन है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, सिरका जो है किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल हो जाएगा, ओके, नींबू का अम्ल हो जाएगा, आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा, या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा? चलिए बताइए। हाँ तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। देखिए 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल। दोस्तों जो सिरका होता है ना, जिसको आप लोग नींबू में डालते हैं, यहाँ पर सिरका आराम से नींबू या भी डाल के प्याज डाल के सिरके की प्याज बनाते हैं, एकदम खट्टा हो जाता है। तो सिरके का सूत्र होता है CH3COOH होता है, गन्ने से ही बनता है, अंगूर से ही बनता है सिरका ना, आपका खट्टा होता है एसिडिक अम्ल की उपस्थिति का कारण है, खट्टा होता है और आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है सिरका का सेवन करना। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है आपका एसिडिक एसिड, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा सिरका। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? देखिए सिरके के बारे में बात हो रही है, तो इसका रासायनिक नाम मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ओके। तो आपका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। अब बढ़ते हैं आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वही चीज़ आपकी पूछ ली गई है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, चलिए बताइए, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है क्या? चलिए अब आप मुझे बताइए, सिगरेट के धुएं में जो आपका सिगरेट का जो धुआं होता है यहाँ से, ओके दोस्तों ये हो गया आपका सिगरेट का धुआं, इसमें मुख्य प्रदूषक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका डाइऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सीजन व बेंजीन। चलिए आप लोग बताइए 17 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, जो आपका सिगरेट यहाँ पर होती है, ओके, सिगरेट के जो धुआं होता है यहाँ पर, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका बेंजीन। सिगरेट का जो आपका धुआं होता है उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका बेंजीन पाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, बेंजीन C6H6। तो ये दो आंसर आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सी वाले। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? क्या आप लोग जानते हैं यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? गलती दोस्तों कहाँ पर नहीं है, कौन सा बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। देखिए तो आपको बताना चाहेंगे निम्नलिखित चारों विकल्पों में से, विकल्प सी जो आपको दिया गया ना, जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, ये आपका तीनों से आप लोग का जो है सबसे अलग है, तो इसलिए आपका ये वाला सुमेलित हो जाएगा, सी वाला। जबकि आपका दे रखा है यहाँ से हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड,
हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर आयोडाइड दे रखा है, ओके ना। कृत्रिम वर्षा की बात करेंगे, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा आपका होता है सिल्वर आयोडाइड होता है, यानी कि गलत हो गया, ये क्लोराइड होता है, ये गलत हो गया। और जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो फिलोसफर बोल, ओके ना, तो ये वाला भी आपको दोस्तों सही नहीं दे रखा है। तो इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड चूहे का बेस, ये आपका सुमेलित है। चलिए अब लेकर चलता हूँ आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए। कभी कभी आप लोग चूहों से परेशान हो जाते हो और अपने घर में जो है चूहे का लाकर जहर रख लेते हो यहाँ पर, ताकि चूहे की परेशानी का अंत हो जाए यहाँ पर, ओके, क्योंकि वो अक्सर आप लोगों की कॉपी किताबें सब कुतर कर चले जाते होंगे, तो इसके लिए आप लोग चूहे का जहर का इस्तेमाल करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दिया गया, पॉलीथीन। चलिए दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किसकी बनी होती हैं। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर बताना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे मित्रों, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसकी बनी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर जिसको समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जलाओगे तो यहाँ पर वो धुआं बनकर जो है हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगी, ज़मीन में अगर आप लोग उसे गाड़ दोगे तो उसके बाद वो ज़मीन बंजर हो जाएगी उसका, ठीक है ना, उसकी उर्वरता ख़त्म हो जाएगी। तो पॉलीथीन को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में आपको मैं बता दूँ 20 क्वेश्चन के बारे में, ये पॉलीमर से बनी होती है। क्योंकि ये किससे बनी होती है तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोग की पॉलीमर से बनी होती है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है पॉलीमर्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब लेकर चलता हूँ आपको आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है, इसको बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, सेलुलोज, आपका स्टार्च, प्रोटीन और आपका पीबीसी, क्या लगता है आपको आपका सही जवाब क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा पीवीसी। तो पीवीसी जो है आपका फुल फॉर्म क्या होता है तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आप लोग की क्या होती है, क्या आप लोग जानते हैं, चलिए आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बताएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। चलिए आप, मैं लेकर चलता हूँ आपको और आगे, आज का अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है फोटोग्राफी क्या हो गया, दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो रही है दिमाग खराब हो रहा है, इलाज कराओ, दिमाग आपका बिल्कुल जगह पर आ जाएगा, सटीक आ जाएगा। तो कल हमने आपको पढ़ा भी था कि दिमाग की शुद्धिकरण जरूरी है ना, तो दिमाग को शुद्ध रखिए ताकि आप लोग पढ़ पाएँ। अब आप मुझे बताइएगा यहाँ से ही, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जो आपकी फोटोग्राफी होती है इसमें किस अम्ल का यूज़ किया जाता है, आपका फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा यहाँ से एसिटिक एसिड। कितने चले क्लास है, बने रहिए क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनको आप पढ़ते नहीं हो और आप लोग को एग्जाम में फिर दिक्कत होती है आप लोगों को, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको बता दें 22 क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब लेकर चलता हूँ आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, निम्नांकित में से कौन सा आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। देखिए तो दोस्तों ऊन आएगा, रेशम आएगा, चमड़ा आएगा या फिर नाइलॉन होगा। तो 23 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा नाइलॉन। ओके, जो आपका नाइलॉन है ना ये आपका नेचुरल पॉलीमर नहीं है, नायलॉन आपका जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा, ऊन जो कि भेड़ के बालों से बनाया जाता है, रेशम कीड़े ठीक ना, रेशम के कीड़े जो है अपने कोकून से रेशम का उत्पादन करते हैं, जानवरों के चर्म से चमड़े का सामान बनाया जाता है, जबकि नायलॉन यह आप लोग का नेचुरली नहीं होता है। चलिए अब लेकर चलता हूँ आपको आगे,
आज का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ओके, ध्यान से आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो मैंने आपको पढ़ाया अभी आपको कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा पदार्थ है। देखिए 24 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेशम हो जाएगा। तो कौन सा आपका पदार्थ जो है प्राकृतिक बहुलक है, तो आपका सही जवाब यहां से क्या होगा, रेशम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। क्या आप जानते हैं जब आपका दूध से दही बनता है तो कौन सा अम्ल बनता है आपका, किसके कारण, एसिडिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, सिट्रिक या फिर लैक्टिक अम्ल। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन की तो आपका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, दूध से दही। तो दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण हमारा जो दूध होता है ये खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। तो ऐसे में आप लोग का एक ही सही जवाब होगा और वो होगा आपका लैक्टिक एसिड। अब आगे आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चलिए आप लोग बताइए। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर, दोस्तों ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को ताप मापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि क्योंकि क्या होगा सही जवाब। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे ताप मापी कहते हैं। ताप मापी कई प्रकार के होते हैं, यहां पर आपका राइट आंसर होगा क्योंकि अल्कोहल का जो द्रव्यमानांक होता है निम्नतर होता है। दोस्तों आपको बता दें यहां से आपको क्या दिया गया है, एल्कोहल का द्रव्यमानांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज लोएस्ट, ओके। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। इसलिए दी जाती है क्योंकि जो आपका एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बिल्कुल न्यूनतम होता है, एल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना ये बिल्कुल न्यूनतम होता है, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब मैं ले चलता हूं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, मैंने आपको अभी आपको पढ़ाया भी है और मैंने आपको याद कराया, प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है किसका बहुलक होता है, आइसोप्रिन का। किसका बहुलक होता है आपका दोस्तों, यहां से आइसोप्रिन का होता है। समझ में अगर आ रहा है, अगर आपके आंसर सही हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करते रहेंगे, आप लोग के आंसर सही आते रहेंगे, ओके। और आपको हर चीज़ जो है आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब ले चलते हैं आपको आज के अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा आप सभी के सामने, इसको आप लोग देखिए। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, एक बार फिर से आपके सामने है और अब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका यहाँ से आइसोप्रिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आप सभी को आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। चलिए अब आप बताइए, जो खट्टा दूध होता है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइए इसको आप लोग। अब एक तरफ आपको दिया गया है लैक्टिक, ओके ना, लैक्टिक है आपका, एक तरफ है आपका एसिटिक, एक तरफ आपका है साइट्रिक और एक तरफ है आपका ब्यूट्रिक, ओके ना, ब्यूटायरिक। तो ये किस किस में पाया जाता है, चलिए आप लोग मुझे बताइए। नींबू, दुर्गंधयुक्त मक्खन, दूध, सिरका, चलिए बताइए। तो मैंने आज आपको सब कुछ पढ़ाया है, एक एक बात आपको समझाई है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों आपका दूध में, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका दूध में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, और आपका एसिडिक अम्ल जो आपका आता है ये आपका सिरका में पाया जाता है एसिडिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका नींबू में, और ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है आपका रेंसिड बटर में, ठीक है। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा, 3, 4, 1, 2। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है
ऑप्शन नंबर डी आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3412 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चींटी का डंक। जब चींटी किसी के काटती है तो कैसा लगता है और वो कौन सा अम्ल रिलीज करती है, फटा हुआ दूध है, सिरका है और संतरा है। तो अब आप मुझे बताइए कि इन सब में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल, ओके, फटे हुए दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सबको पता है, आपका सिट्रिक संतरे में और सिरका एसिटिक। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना चाहेंगे, 3, 4, 2, 1, ओके। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 3, 4, 2, 1, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन अब आपके क्लियर हो गए होंगे। अब ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की और इसको आप लोग बताइएगा। देखिए अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। दोस्तों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड, ओके। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है टार्ट्रिक एसिड, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, सही जवाब होगा आपका टार्ट्रिक एसिड, ओके ओके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। आपके अंगूर में, इमली में, केले में कौन सा कार्बनिक अम्ल विद्यमान रहता है, क्या आप लोग जानते हैं, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर आपका हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। चलिए आप लोग बताइए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका सही जवाब देखिए, आपका अंगूर में भी पाया जाता है, इमली में भी होता है और केले में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका कौन सा, टार्ट्रिक एसिड, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपका सही जवाब क्या होगा, टार्ट्रिक हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अब लेकर चलता हूँ आपको आगे आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। दोस्तों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, क्या लगता है दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिलीन एल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। मैं हाँ बना दूंगा दोस्तों, उसकी आप परेशानी मत परेशान मत होइए, क्योंकि 1x1 करके सब कुछ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और बाकी सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक ना। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको प्रॉब्लम अगर होती है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है मुझे लास्ट में बता दीजिएगा, मैं फिर उस टाइम भूल गया था, वरना मैं बता देता कैसे ज्वाइन करना है। निम्नलिखित में से किसको जो है वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, 37 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब क्या होगा, मेथिल एल्कोहल होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े आज का अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है, क्या आप लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ से आपका सही जवाब होगा बैकेलाइट, ओके, सही जवाब होगा आपका बैकेलाइट। अगला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष, बैकेलाइट निम्नलिखित किस संग्रहण से बनता है, किसके संग्रहण से बनता है बैकेलाइट, सही जवाब होगा आपका फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, सही जवाब होगा आपका फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं। बिल्कुल अब आप सही आए हैं सही लाइन पर, अब आप मुझे बताइए क्या आप जानते हैं बहुलक, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग,
बहुत बढ़िया दोस्तों, इसको बोलते हैं टेफ्लॉन। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है टेफ्लॉन, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन। अब आगे टेफ्लॉन क्या है दोस्तों, टेफ्लॉन क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों टेफ्लॉन की अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाएगा फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन दोस्तों क्या है, टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है, एथिलीन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु को फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है टेफ्लॉन क्या है, ये है फ्लोरोकार्बन। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। चलिए सबसे पहले आप लोग को यूट्यूब पर जाना है, यहाँ पर अपने मोबाइल में, तो मैंने मोबाइल यहाँ पर उठा लिया है और इस मोबाइल में आप लोग यूट्यूब पर तो होंगे ही। यूट्यूब पर जाकर दोस्तों आप लोग यहाँ पर सर्च करना है BSA ट्रिकी क्लासेस। तो सबसे पहले आप लोग BSA ट्रिकी क्लासेस सर्च करेंगे तो ये आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्लास चल रही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग ये क्लास चल रही है, तो इसी क्लास को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मैं आवाज़ कम कर ले रहा हूँ वरना आपको मेरी आवाज़ रिपीट होकर सुनाई देगी, ओके। और आपको दोस्तों कहाँ जाना है, ये आपका वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जाना है, ये है आपका डिस्क्रिप्शन, ओके। तो आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और यहाँ पर आपको दो चीज़ें रखी हैं, ज्वाइन ऑन टेलीग्राम फॉर जॉब, ओके, तो आपको ये दे रखा है, और ज्वाइन ऑन टेलीग्राम फॉर स्टडी आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग किसी पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कोई ना कोई ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा, तो मेरे सामने ऑप्शन आ गया क्रोम, तो मैं क्रोम पर क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। तो मेरे सामने यहाँ पर क्लिक आ गया, मैंने क्रोम पर क्लिक किया, क्रोम पर क्लिक करने का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये मेरा टेलीग्राम आ गया। अब आपको टेलीग्राम पर जाकर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही टेलीग्राम पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप तुरंत ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, और सीधे दोस्तों हमने यहाँ पर जो है ग्रुप मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पर 3 ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आप लोग को यहाँ पर ग्रुप दिख रहा हूँ, ग्रुप नंबर 1 जिसमें आपके 17,000 करीब सब्सक्राइबर, 17.9 सब्सक्राइबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और इसको आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या दिया गया, यहाँ पर एक ग्रुप आप लोग को ये मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकंड आप लोग की अगर हम बात करेंगे, सेकंड ग्रुप आप लोग को ये मिल जाएगा, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और तीसरा आप लोग का ग्रुप दे रखा है यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो जो भी प्रॉब्लम है आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर बताइए, और आप लोग के मैसेज अगर आते भी तो मैं यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर आप सभी को। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।